डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं होमवर्क क्वेश्चन से। और मैंने बोला था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें दो तीन कंसेप्ट यूज होंगे हमारे, क्वाड्रेटिक भी यूज होगा और फिर ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगा और लास्टली हमारा अरिथमेटिक मीन मतलब AMGM भी यूज होगा, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो क्या किया पहले हमने, इस 2x² को मैं इस साइड लेके आया, तो मैंने इसको ऐसे लिखा x की पावर 4 माइनस 2x² और इज इक्वल टू, और इस वाले टर्म को उस साइड लेके गया, तो ये हो जाएगा माइनस 3 cos ऑफ ax² प्लस bx प्लस c और इधर हमारा माइनस 4 बचा, ठीक है यहां तक। चलो अब मैंने बोला क्या करें, अब तो अब मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, आई एम मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, देखो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, बट इधर से क्या हुआ हमारा एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया प्लस 1, तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो माइनस 1। अब बराबर लिखा है, जो इधर लिखा है वही इधर लिखा है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3 cos ऑफ ax² प्लस bx प्लस c और माइनस 4, ठीक है। चलो अब मैं इस माइनस 1 को इधर लेके आ रहा हूं, तो मैं इसी स्टेप में चेंज कर रहा हूं, यू कैन राइट इन नेक्स्ट स्टेप, मैं माइनस 1 को इस साइड लेके आ रहा हूं, तो माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज माइनस 3, जो ऊपर इक्वेशन लिखी वही हमारी ये लिखी है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से बच्चों कि मेरा, मैंने इसको ऐसे लिख लेता हूं, चलो माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं, पहले माइनस 3 कॉमन ले लिया और लिखा कॉस ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस 1, ठीक है, एंड दिस इज रिटर्न एज x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो जो मेरा RHS है, सॉरी LHS जो है, दैट इज अ स्क्वायर ऑफ सम क्वांटिटी, तो ये जो मेरा क्वांटिटी है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो क्वांटिटी LHS में है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर ऑफ समथिंग लिखा है। और मेरा जो RHS है, उधर देखो अब ध्यान से, मुझे पता है जो कॉस ऑफ कॉस की जो वैल्यू होती है इतना तो हमें पता ही है, दैट इज लाइंग बिटवीन माइनस 1 टू 1, ठीक है, मतलब ये माइनस 1 से 1 के बीच में है, प्लस 1 है हमारा इधर। तो मैंने बोला ओवरऑल इस ब्रैकेट का, मैं अगर बोलूं तुमसे कि इस ब्रैकेट की ओवरऑल रेंज क्या है, मैंने बोला इसकी रेंज माइनस 1 टू 1 है, उसमें अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो इस पूरे की रेंज क्या हो जाएगी मेरी, 0 टू 2 हो जाएगी। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, ये पूरा ब्रैकेट है ना cos ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस 1, इसकी रेंज विल बी 0 टू 2, मतलब ये 0 से 2 के बीच में आएगा, इनटू माइनस 3 है, अब मैंने बोला इनटू माइनस 3 है, तो ओवरऑल RHS जो लिखा है दैट विल लाई बिटवीन 0 टू माइनस 6, या फिर उल्टा लिखो इसको माइनस 6 टू 0। देखो एक बार ये स्टेप पहला क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो cos ऑफ समथिंग है That is always lying between minus 1 to 1, हमें पता है minus 1 से 1 के बाहर नहीं जा सकता, plus 1 add किया है मैंने, तो इस part की range कितनी हो गई 0 से 2, उसमें minus 3 multiplied है, तो इसकी range कितनी हो गई minus 6 to 0, या फिर ऐसे समझ लो, मैंने तुम्हें बोला कि RH ये जो part है इस part की, what is the minimum value, minimum value कब आएगी, जब minus 3 इसके maximum से multiply होगा, और इसका maximum क्या होगा 1 plus, और ये maximum कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, बिकॉज माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें ये इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो माइनस 3 इसकी मिनिमम क्या होगी 1, और कॉस ऑफ समथिंग की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू माइनस 3 0। तो पहला स्टेप ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो RHS है दैट विल लाई बिटवीन माइनस 6 टू 0, एंड जो LHS है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब उसने बोला है LHS RHS के बराबर है, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, देखो इसने ये तो क्या बोल रहा है, जो RHS है दैट इज लाइंग बिटवीन माइनस 6 टू 0, और ये बोल रहा है हमेशा LHS जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, तो दोनों कब बराबर हो सकते हैं, जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ये तो 0 से बड़ा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 0 से बड़ा तो नहीं होगा। फिर सिमिलरली अगर मैंने बोला ये माइनस 6 से 0 आ रहा है बट ये नेगेटिव नहीं हो सकता, सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी LHS RHS के बराबर कब हो सकता है, व्हेन माय बोथ LHS एंड RHS इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा पार्ट को, तुम लोग कॉपी करो। अब मैंने बोला देखना ध्यान से बच्चों
अब देखो, तो जीरो मैंने बोला कि ये दोनों कब बराबर होंगे, व्हेन बोथ आर इक्वल टू जीरो। तो इधर से मेरे को क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे इधर x की दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू प्लस वन कॉमा माइनस वन, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला ये जो चीज है, ये वाली चीज जीरो कब आएगी, ये आर एच एस जीरो कब आएगी, व्हेन कॉस ऑफ दिस इज वन सॉरी माइनस वन। मैंने बोला ये चीज जीरो कब होगी, व्हेन कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन, क्लियर है। अच्छा तो मैं इसको और थोड़ा नीचे रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी करो। अब देखना मैंने क्या बोला, देखो अब मैंने लिखा ये वाली कंडीशन यूज की, मैंने बोला व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। देखना ध्यान से, इधर क्या लिख रहा हूं मैं, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इसमें रखा, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अच्छा एबीसी की हमें रेंज भी दे रखी थी, आई थिंक टू से फाइव, हाँ ये फैक्ट भी यूज होगा। जो हमारा ए है ना, ए और सी, दैट इज लाइंग बिटवीन टू कॉमा, लिख लेता हूं मैं इसको 2.5, ठीक है। ए प्लस सी इज लाइंग एबीसी, तीनों एबीसी जो है हमारे वो 2.5 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब देखना ध्यान से, अब मैंने बोला कॉस थीटा माइनस वन कब होता है, तो दैट यू मस्ट नो। मैंने बोला था कि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगेगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा जो माइनस वन होता है, मैंने बोला कॉस थीटा माइनस वन कब होता है, व्हेन थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, लिख लो इसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब क्या हो गया, 2n+1, दिस इज ऑड नंबर इनटू पाई। अगर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल -3π -π पाई 3π 5π एंड सो ऑन, इस साइड भी बढ़ता जाएगा। सो cos थीटा माइनस वन कब होता है, जब थीटा मेरा -3π -π पाई 3π 5π ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, ठीक है। यहां तक सुनना ध्यान से। अब देखो इसका मतलब cos ऑफ दिस माइनस वन है, इसका मतलब मेरा क्या होगा, जो a plus b plus c है, that is odd multiple of pi by 2, sorry odd multiple of pi, मतलब या तो ये pi होगा, 3π होगा, 5π होगा and so on, ठीक है। यहां तक क्लियर है, अब सुनना ध्यान से। अब मैं ये फैक्ट यूज कर रहा हूं कैसे, अब मैंने बोला अगर a b c जो है 2 से 5 लाई कर रहे हैं, then tell me what is the range of a plus b plus c। मैंने बोला a plus b plus c की रेंज क्या होगी, मतलब a plus b plus c मेरा कहां से कहां लाई करेगा। तो देखो a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब a मिनिमम हो, b मिनिमम हो, c मिनिमम हो, और मिनिमम वैल्यू a b c की क्या ले सकता हूं मैं, 2, 2, 2। तो a प्लस बी प्लस सी कहां से कहां लाई करेगा, एक मिनिमम वैल्यू इज 6। अच्छा अब मैंने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब a मैक्स हो, b भी मैक्स हो, c भी मैक्स हो, तो 5 + 5 + 5 दैट इज 15। देखना अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या निकाल लिया, a प्लस बी प्लस सी की रेंज निकाल ली, दैट इज 6 to 15, ठीक है। अच्छा अब मैंने इधर आता हूं मैं, तो मैंने बोला कि a प्लस बी प्लस सी क्या पाई हो सकता है, इधर देखो एक तो पहली बात नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, माइनस थ्री तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी 6 से 15 के बीच में लाई करना चाहिए, तो माइनस तो हो ही नहीं सकते। अब मैंने बोला क्या पाई हो सकता है, तो आंसर मिलेगा नहीं हो सकता। Why? Because pi कितना होता है, 3.141, but इसमें हमें पता है कि ABC तो इस interval में आना चाहिए, तो pi भी reject हो गया। फिर मैंने बोला 3π आ सकता है क्या, तो answer मिलेगा yes, 3π आएगा। The reason is 3π क्या होता है, हमारा 9 point something, और 9 point इसके बीच में लाई कर रहा है, तो a plus b plus c कितना हो गया, finally 3π। अब कोई बोलेगा सर आगे की वैल्यू चेक करें, हाँ आगे की वैल्यू चेक करके देख लो, a plus b plus c, मैंने बोला 5π हो सकता है क्या, आंसर मिलेगा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 5π क्या हो जाएगा, 15 point something, वो अगेन इसके रेंज के बाहर निकल जाएगा। हेंस दिस इज द ओनली इक्वेशन इन एबीसी। आई होप क्लियर हुआ, एक बार और बताता हूं मैंने क्या बोला, cos थीटा अगर माइनस वन है, दैट मींस थीटा मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर जिसको नहीं पता है, नो नीड टू वरी, हम अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। फिर मैंने बोला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे -3π -5π पाई 3π, उसमें से कौन सा लू, तो उसके लिए मैंने ये इंफॉर्मेशन यूज किया। मैंने बोला a कॉमा b कॉमा c जो है, दैट इज लाइन बिटवीन 2 टू 5, तो a प्लस बी प्लस सी कहां से कहां लाई करेगा,
देखो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, जब ए भी मिनिमम हो, बी भी मिनिमम हो और सी भी मिनिमम हो, दैट इज 2 + 2 + 2, दैट इज 6. ये मैक्सिमम कब होगा? व्हेन ए इज मैक्स, बी इज मैक्स, सी इज मैक्स, तो दैट इज 5 + 5 + 5, दैट इज 15. फिर मैंने देखा कि जो पाई है नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इधर हमें दिख रहा है ये पॉजिटिव इंटरवल. फिर मैंने बोला पाई हो सकता है क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं, बिकॉज पाई भी इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा. फिर मैंने बोला 3π हो सकता है क्या, हाँ 3π हो सकता है, तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी 3π. फिर मैंने लिखा इसके आगे बढ़ के देखते हैं, तो 5π रखा, तो 5π नहीं होगा, बिकॉज 5π क्या होगा, इस रेंज के अंदर नहीं आएगा. तो एक इक्वेशन हमें एबीसी में ये मिल गई. ठीक है बच्चों, अच्छा अब नेक्स्ट पे आते हैं. अब ये तो मेरा हो गया व्हेन x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग. अब मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, देखना मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करना इसको, ठीक है ना. हाँ, अब मैंने बोला जब इसमें मैंने माइनस वो रखा, व्हेन, अब वो दूसरा वाला पार्ट, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो हमारा क्या आएगा, cos ऑफ a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है ना, x की जगह माइनस 1 रख दिया, तो इससे अगेन मुझे क्या मिलेगा इक्वेशन, अगेन a माइनस b प्लस c, cos थीटा माइनस 1 होता है, तो थीटा क्या होगा हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज माइनस 3π या फिर माइनस पाई, पाई 3π. अब इसमें से चेक करेंगे हम कौन सा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू इसका रेंज, a माइनस बी प्लस सी का रेंज. तो a माइनस बी प्लस सी का रेंज निकालते हैं हम, ठीक है ना. ये उससे भी थोड़ा और क्रिटिकल है, देखना ध्यान से. मैंने बोला कि a ऐसे लिख रहा हूं मैं, a प्लस सी माइनस बी, ठीक है. मैंने बोला कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम क्या होगी, जस्ट थिंक इट, पहले एक बार वीडियो पॉज करके इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सोचो. अब मैं बता रहा हूं, देखो ये मिनिमम कब आएगा, जब ये मिनिमम हो, ये भी मिनिमम हो, बट बी मैक्स हो, क्योंकि अगर हम जो घटा रहे हैं वो सबसे बड़ा आ जाए तो ओवरऑल तो मिनिमम हो जाएगा ना. समझ में आया क्या बोला मैं, मैंने बोला इसकी मिनिमम कब आएगी, जो एडिशन हो रहा है टर्म्स उनको तो मैं सबसे छोटा ले लूं, और जो सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं उनको सबसे बड़ा ले लूं, तो ओवरऑल इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. तो ए मैक्स, सॉरी, ए की वैल्यू मिनिमम डालूंगा, सी की मिनिमम डालूंगा और बी की मैक्सिमम डालूंगा फॉर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस सी माइनस बी. क्लियर है? तो अब देखना मैं इसकी रेंज लिख रहा हूं, इस पर्टिकुलर की रेंज इधर देखो. मैंने बोला ए प्लस सी माइनस बी की रेंज लिख रहा हूं, तो ए मिनिमम कितना होगा 2 प्लस सी मिनिमम इज 2 और बी घटा रहे हैं, घटा रहे हैं तो मुझको b की मैक्सिमम लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ओवरऑल मिनिमम बनाना है, छोटा बनाना है, तो ज्यादा से ज्यादा घटाऊं मैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 5, तो -5, तो दिस इज -1. क्लियर है बच्चों? तो मैंने बोला कि a माइनस बी प्लस सी है ना, a माइनस बी प्लस सी, इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ गई हमारे पास दैट इज -1. अब मैक्स पे बात कर लेते हैं. अब मैंने बोला मैक्स कब आएगा इसका, व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मैक्सिमम के लिए क्या लिखूंगा मैं, ये मैक्स ले लूं, जो एडिशन हो रहा है उनको सबसे बड़ा ले लूं और जो सबट्रैक्ट कर रहा हूं वो सबसे छोटा ले लूं, तो ओवरऑल मैक्सिमम आ जाएगी. तो देखो ए की मैक्सिमम कितनी होगी मेरी, ए की मैक्सिमम विल बी 5 प्लस सी की मैक्सिमम विल बी अगेन 5. अब मैं बोलूं जो घटा रहा हूं मैं वो सबसे छोटा घटाऊंगा तो ओवरऑल मैक्सिमम आएगा ना, तो सबसे छोटा क्या होगा, बी का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा 2, तो -2, तो दैट विल बी 8. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई, ए माइनस बी प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 8. तो ओवरऑल हमारा जो a माइनस बी प्लस सी है दैट इज लाइंग बिटवीन -1 to 8. क्लियर है यहां तक बच्चों? अब हम आते हैं इस पे, इनमें से कौन सा ले. तो देखो -3π लूंगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो -9 point something हो गया, वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो ये रिजेक्ट हो गया. फिर -5 ले सकता हूं क्या, अगेन आंसर मिलेगा नहीं ले सकते, द रीजन इज -5 इंटरवल में आ ही नहीं रहा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया. मैंने बोला पाई ले सकता हूं क्या, तो आंसर मिलेगा यस, पाई इज इन दिस इंटरवल, पाई इज इन दिस इंटरवल, सो आई विल टेक पाई. फिर मैं देखा आगे बढ़ के देखते हम, क्या 3π ले सकता हूं क्या मैं, तो अगेन आंसर मिलेगा नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि 3π क्या हो गया 9 point something विच इज नॉट इन दिस इंटरवल, तो 3π नहीं ले सकता, तो अगेन फिर आगे के तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो और बड़े होते जाएंगे. तो फाइनली मुझे जैसे एक इक्वेशन क्या मिली, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये 3π था. ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा. ठीक है, अब चलो अब इसको मैं फर्दर रब करके कंटिन्यू करता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. अब मेरा इन दोनों इक्वेशन से देखो क्या आ रहा है, दोनों को मैंने ऐड किया, तो व्हाट यू विल गेट, ए प्लस सी का ट्वाइस. क्या लिख रहा हूं मैं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूं, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू 4π.
तो इधर से मुझे आ गया a प्लस सी की वैल्यू आ गई 2 पाई. दिस इज द एक इक्वेशन. फिर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ऑफ माइनस b 2b और c माइनस c अगेन 0, 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई. तो क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 2 पाई. दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू पाई. तो हमें b की वैल्यू आ गई और a प्लस c आ गया ये. ठीक है. अच्छा हमें निकालना क्या था, ac / b स्क्वायर. एक बार देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज ac / b स्क्वायर. हमें निकालना, इधर लिख रहा हूं मैं ac / b स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू. तो देखो b तो कांस्टेंट आ गया मेरा, b तो कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, केवल वेरिएशन का आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है. ठीक है, न्यूमरेटर में आ रहा है. तो मैं इसको दो एक तरीके से कर सकता हूं. मैंने बोला वी कैन सॉल्व विद, नाउ वी कैन सॉल्व दिस विद टू डिफरेंट मेथड्स. तो वो क्या है, देखो पहले एक तो मैं यूज कर रहा हूं AMGM. क्या कर रहा हूं मैं, AMGM यूज कर रहा हूं. तो देखो हमें, अगर जैसे तुम लोगों को नहीं पता तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं. AM जो होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM. AM होता क्या है, दो नंबर्स हैं हमारे पास A और B, उनका AM होता है A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 और GM क्या होता है अंडर रूट ऑफ A इनटू B. ये हमेशा ट्रू होता है, A प्लस B बाय 2 हमेशा रूट AB से बड़ा आएगा. ये हम देखेंगे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में, इसका प्रूफ भी देखेंगे वही देखेंगे. ठीक है, और बस इतना याद रखना कि ये इक्वेशन इज AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM. और इधर एक और चीज होती है क्या कि A कॉमा B जो है दैट आर पॉजिटिव नंबर्स, दैट आर पॉजिटिव, तभी हम AMGM लगाते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. अच्छा तो अब देखना, अब मैंने क्या किया, A और C पे AMGM लगा रहा हूं मैं. देखना क्या लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से. मेथड वन, इसके बाद अप्लाइंग AM GM, अर्थमेटिक GM इनइक्वालिटी, AMGM इनइक्वालिटी फॉर टू नंबर्स A एंड C, फॉर टू नंबर्स A एंड C. तो A और C पे AMGM लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा इक्वेशन, उन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू उन दोनों का प्रोडक्ट की पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ. ठीक है, ये आया. अब मैं a प्लस c की वैल्यू इधर से उठा के इसमें रख देता हूं तो क्या आया, ये 2 पाई इधर उठा के रख देता हूं उसमें तो क्या आएगा मेरा 2 पाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सी का पावर हाफ. तो ये 2 से 2 कैंसिल. अब इधर पाई लिखा है, पाई की जगह तो मैं b लिख सकता हूं इधर बिकॉज b इज इक्वल टू पाई. तो देखो इधर मैं इधर इस, चलो एक काम करता हूं इधर लिख रहा हूं मैं. ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर, सी हियर. तो मैं इधर लिख रहा हूं पाई की जगह b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सी की पावर हाफ. ठीक है, अब स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सी. अब मुझे क्या चाहिए, ए सी अपॉन बी स्क्वायर चाहिए. तो देखो b स्क्वायर को नीचे लेके आया, ये आ गया. तो इसने क्या बोला, ए सी अपॉन बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. इसमें क्या बोला कि a प्लस b जो ac है, ac अपॉन b स्क्वायर दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब ये हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा. तो मैक्सिमम क्या हो गया, 1. तो इधर से लिख लो ac अपॉन b स्क्वायर इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. तो ठीक है ना, ऐसा मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि सभी बच्चों को समझ में आएगा बिकॉज इसमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी लग रहा है, AMGM भी लग रहा है, तो थोड़ा सा बल्कि क्वेश्चन है. ठीक है ना, तो अगर नहीं भी आता है तो डोंट वरी, हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे, जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है. अच्छा, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि मान लो चलो AMGM तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं भी आता है, उसके बिना भी काम चल जाएगा. कैसे, देखो मैं इसको एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूं. तो पहले वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कॉपी कर लो. ठीक है ना, जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच पार्ट. मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इसके अप्रोच पे, मेथड पे. तो देखो अब मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं. मैंने क्या बोला कि हमें निकालना क्या था, AC by B square की maximum value. देखो AC upon B square की maximum value निकालनी थी. ठीक है, चलो ये है मेरी. अब मैंने बोला B square तो constant है ना, क्योंकि B constant है तो B square constant है. Variation कहाँ हो रहा है हमारा, A और C में, such that A plus C is 2 pi. Read like this. मैंने क्या बोला कि B तो एक constant आ गया, but A और C constant नहीं है. A और B वेरी कर रहे हैं, बट इस प्रकार वेरी कर रहे हैं कि उन दोनों का एडिशन इज 2 पाई. क्लियर है, तो देखो मैं पहले b स्क्वायर की वैल्यू इधर रख रहा हूं. तो ac अपॉन b स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर. ठीक है,
यह आया मेरा। अब मैंने क्या किया, ये इक्वेशन तो हमेशा ट्रू है, तो अभी तो इधर मेरे दो वेरिएबल हैं ए और सी, मैंने क्या किया इधर से सी की वैल्यू उठा के इधर रख दी, क्या करी सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू टू पाई माइनस ए उठा के इसमें रख दी, तो अब मेरा क्या हो गया ये ए इंटू सी, और सी इज टू पाई माइनस ए होल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। अच्छा अब ये मेरा क्या आ गया देखो इधर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, माइनस ए स्क्वायर और ये हो गया हमारा प्लस टू ए पाई, प्लस टू पाई ए होल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये क्या आया हमारा, दिस इज क्वाड्रेटिक इन ए, ये तो कांस्टेंट है ना डिनोमिनेटर में, इसको चलो ऐसे लिख लो, नहीं तो एक काम करो माइनस वन अपॉन पाई स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट इंटू ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस टू अपॉन पाई इंटू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इन ए, क्वाड्रेटिक इन स्मॉल ए, ये क्वाड्रेटिक है। अब मुझे पता है कि मुझे अच्छा इसको जीरो मत लिखो, इनको ऐसे लिख लो बस, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इन ए, तो मेरा ये जो है क्वाड्रेटिक आ गया, क्या था ये बेसिकली, ये क्या आया है हमारा, ये वही एक्सप्रेशन लिखा है ए सी अपॉन बी स्क्वायर जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो हमने क्या किया बी स्क्वायर के पाई स्क्वायर लिखा विच इज कॉन्स्टेंट, फिर सी को लिखा ए टू पाई माइनस ए, फिर ऐसा करने पर मेरा क्या बना ए में क्वाड्रेटिक बना। अब हमें क्वाड्रेटिक के मिनिमम मैक्सिमम तो पता ही है और दिख भी रहा है इधर क्या है पैराबोला डाउनवर्ड है क्योंकि ए स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो अगर पैराबोला डाउनवर्ड है इट इज समथिंग लाइक दिस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है वर्टेक्स पे आती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है वर्टेक्स पे आती है, तो पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको मैं और रब कर देता हूं, ठीक है आई एम रबिंग दिस पार्ट। तो देखो अब मैंने क्या बोला, कॉपी करते जाना तुम्हें, ठीक ना। अब मैंने बोला कि वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स क्या होता है माइनस बी बाई टू है, तो माइनस ऑफ बी इज ए का कोफिशियंट विच इज टू अपॉन पाई माइनस बी बाय टू ए होता है, तो टू इंटू ए एयर इज माइनस वन अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया टू अपॉन पाई इंटू पाई स्क्वायर बाय टू, टू से टू कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, यू आर गेटिंग पाई। तो ये क्या आई, दिस इज वॉट ये जो मैंने निकाला, दिस इज वॉट एक्स कॉर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एक्स कॉर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। बट जब हम वैल्यू बोलते हैं तो हम तो y की वैल्यू बताते हैं ना, जैसे y max क्या होता है इस पॉइंट का, जैसे इधर मान लो माइनस बी बाई टू ए और इधर मान लो ये हमारा वैसे डायरेक्टली फॉर्मुला भी याद है हमें माइनस बी बाय फोर ए होता है, तो रेंज क्या होती है पैरेलल और डाउनवर्ड, ये बनाया था तुम्हें टॉपिक, क्या होती है माइनस इंफिनिटी से माइनस बी बाय फोर ए, माइनस बी बाय फोर ए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला के लिए माइनस डी बाय फोर है ना, मतलब वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। तो अभी तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो वैल्यू आई इसको हम कोऑर्डिनेट में रख देते हैं, उससे मेरा वाई का वैल्यू मिल जाएगा, तो वाई विल बी क्या आएगा पाई की वैल्यू, मैंने ए की जगह पाई इसमें रखा, तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, पाई रखा ए की जगह, प्लस टू अपॉन पाई इंटू ए, ए हियर इज पाई, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया हमारा, ये माइनस वन अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है करेक्ट है। देखो इधर ये पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल, दिस इज माइनस वन, ये पाई से ये पाई कैंसिल प्लस टू, तो तुम्हें वाई का वैल्यू कितना मिला वन, वही तो है, दिस इज व्हाट जो हमारा एक्सप्रेशन था इधर लिखा था जो मैंने ए सी अपॉन बी स्क्वायर उसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है बच्चों। तो सेकंड अप्रोच एटलीस्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ठीक है ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो सकता है तुम्हारा तुम्हें उतना नहीं आता हो, बट ये वाला जो मैंने मेथड बताया ए एम जी एम बी एक मिनट के लिए मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत से बच्चों को शायद नहीं समझ में आ रहा हो, बट थर्ड जो मेथड बताया वो आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या था हमारा जो पूछा है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू जिसकी उसमें बी कॉन्स्टेंट था, तो इसको बी इसको रिप्लेस कर दिया, फिर ए और सी में एक रिलेशन था हमारे पास, तो ओवरऑल जो मैक्सिमाइज करना था मुझे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी वो हमारा क्वाड्रेटिक बन गया ए में लकीली, और क्वाड्रेटिक का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कैसे निकालते हैं वर्टेक्स पे होता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो फिर अब हम कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, और अगर जिसको नहीं भी आया ना इसको स्टार मार्क करके रख लो, दो तीन स्टार मार्क लगा दो उस पर, और जब हम एम जी एम वगैरह पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएंगे तब एक बार कर लेना इस क्वेश्चन, बट डोंट एस्केप सच क्वेश्चन, प्योरली एडवांस लेवल, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट उस पर मूव करता हूं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लेट
दिस इज फ्रॉम जेई मेंस क्वेश्चन. लेट सॉरी ये पहले जो स्क्रीनिंग होता था मेंस के पहले 2011 के पहले तब आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, आईआईटी में. तो लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना. देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आर डैश. तो ऑप्शन लिखना है, चलो ऑप्शन भी लिख लो. जेई में ऑप्शन जो आए थे ए कॉमा सी, ऑप्शन बी इज बी कॉमा सी, ऑप्शन सी इज ए कॉमा बी एंड ऑप्शन डी इज ए प्लस सी कॉमा बी प्लस सी. तो दिस वाज द क्वेश्चन. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब चुटके में हो जाएगा, मतलब 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने का, एक बार क्लिक कर गया तो, ठीक है ना. चलो तो पहले वीडियो पॉज करके बार खुद से ट्राई करो, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, देखना आप क्या यूज करेंगे हम. बहुत ट्रिकी सॉल्यूशन है. लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अच्छा ये इक्वेशन दी है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, दिख रहा है. व्हेन यू विल सिंपलीफाइड क्या लिखोगे इसको, ऐसे लिखोगे ना. चलो मैं इसको एक एक तरफ लेके आ रहा हूं एक बार. x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, यही चीज ये लिखी है, बस मैं सी को इस साइड लेके आया. उसने क्या बोला है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है. इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है, फिर मुझे निकालना है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है. तो देखो अब क्लिक कैसे करेगा, कैसे प्रोसीड करे. तो देखो जो क्वाड्रेटिक उसने पूछी है उसमें मेरा फैक्टर लिखा है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. अब मुझे पता है कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कैसे आ सकता है. तो हमने पढ़ा है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक के, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है उसके अगर मुझे रूट्स पता है, लेट से अल्फा और बीटा है, तो उसको मैं लिख सकता हूं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. क्लियर है, मैंने बोला लेट से हमने ये वाला क्वाड्रेटिक ऐसे पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो आई कैन राइट दिस एज ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. क्लियर है, अब वो फैक्ट मैं इधर यूज कर रहा हूं. दिस इज अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट अल्फा एंड बीटा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए टाइम्स ए तो क्या होगा इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज वन, तो वन ही लिखूंगा मैं. वन क्यों लिखा, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज वन इंटू एक्स माइनस अल्फा, अगर इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है तो एक्स माइनस बीटा, करेक्ट है. ये चीज मैं ऐसे लिख सकता हूं विद द फैक्ट कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. अब मैंने बोला क्या किया हमने, अब देखा अब ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होगा. इस सी को उधर लेके जाए, उस सी को उधर लेके गए तो इधर क्या आया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी प्लस सी, ऐसा हो गया. ये ऐसे लिखिए, मतलब दिस एंड दिस इज द सेम थिंग. अब ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, मैं जो क्वाड्रेटिक दिए ना वही किस्मत से इधर आर एच एस बन गई. और लकीली एक और लकीली बात क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक ऐसे लिखी हुई है. अब देखना मैं उल्टा जा रहा हूं, अब मैं उल्टा जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसे लिखी हुई है दिस मीन्स इसके रूट क्या होंगे. मैंने बोला इस क्वाड्रेटिक के रूट, अच्छा ऐसे सुन लो चलो, मैंने बोला एक मिनट के लिए इसको हटाओ, मैंने बोला इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर ए और बी हैं तो तुम क्या लिखते इसको एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, वही तो लिखा है. अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, सिंस दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हैंस इसके रूट्स इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आर ए एंड बी. दिस इज द ट्रिकी पार्ट, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना. चलो तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो. काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, कोई एडवांस चीज नहीं है इसमें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हम स्टार्टिंग ऑफ क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं. किसी भी क्वाड्रेटिक को हम क्या लिख सकते हैं, वो आइडेंटिटी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ठीक है बच्चों. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ values of a, find the range, find the range, pen दूसरा देता हूं मैं, find the value range of values
ऑफ स्मॉल ए सच दैट, दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, पहले आते थे आईआईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस टाइम का ये क्वेश्चन, ठीक है, तो बट फिर भी करा रहा हूं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस नाइन ए प्लस फोर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 32 इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सोचो क्या है, देखो उसने क्या बोला है कि ए की वैल्यू निकालो सच दैट, एक एक्सप्रेशन लिखा है दैट इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव मतलब नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑलवेज नेगेटिव मतलब क्या हुआ, हर एक रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये नेगेटिव आना चाहिए। तो मुझे अल्टीमेटली सॉल्व क्या करना है, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, तुम लोग लिख लेना, मैंने बोला सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो उसने बोला दिस एस, अब मैं इसको लिख रहा हूं, दिस इज अकॉर्डिंग टू उसका स्टेटमेंट दिस शुड बी लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें कन्वर्ट हो गया ये हमारा, दिस इज नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक, जो डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक है डायरेक्टली दिख जाएगा तुम्हें कि इसका डी नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज क्या आएगा 64 माइनस 4 इंटू 32 तो दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं हमें, सिंस बस पॉजिटिव और नेगेटिव देखो इसका, या फिर इसको एक और तरीके से देख सकते, परफेक्ट स्क्वायर बना के क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x देखकर किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, x माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसा करने पे क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 16 आया, बट प्लस 32 चाहिए तो प्लस 16 की कमी है तो ये लिख दिया, तो दिस इज कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो, अब दिख रहा है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दो तरीके से मैंने बोला, एक तो इसका डी नेगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव है, प्लस इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये पैराबोला अपवर्ड है प्लस डी नेगेटिव है, तो दिस इज अ सिनेरियो, तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, या फिर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी बोल सकता हूं, तो जो डिनोमिनेटर है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नॉट इवन जीरो, अगर हमेशा पॉजिटिव है तो क्या कर सकते हैं हम, इसको जीरो के पास लेके जा सकते हैं, तो बस इतना से पार्ट था इसमें। तो क्या हो गया हमारा फाइनली, ये पॉजिटिव है जीरो के पास लेके गए, अब हमारा इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो गया, टू टाइम्स ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस नाइन ए प्लस फोर लेस देन जीरो। अब क्या, अब चलो अभी थोड़ा सा बाकी है, वैसे तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट बहुत ईजी हो गया, मेंस लेवल का हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, अब उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए such that this quadratic is negative for all x belongs to R. This quadratic is negative for all x belongs to R. तो मेरे को पता है कि parabola negative कब होगा? हर एक x के लिए, जब वो downward हो। मतलब this must be the scenario. और ये कब होता है? When coefficient of x square that is negative, एक तो downward हो, plus इसका d should be negative, so that पूरा x axis के नीचे है। तो बस दो inequality बनेगी तुम्हारी, तो बना लेते हैं इसको। तो a तो less than zero इधर दिखी रहा x square का coefficient directly, तो एक तो हमारी यही होगी inequality। D के लिए चेक कर लेते हैं, तो D कितना आएगा, बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 टाइम्स ए प्लस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए कितना हो जाएगा A, और C हमारा क्या है 9 ए प्लस 4, दिस शुड बी लेस देन 0। देखो एक बार D क्या किया हमने, ये वाले कंडीशन लगाई, D इज लेस देन 0, नॉट ऑल्सो इक्वल टू, लेस देन मतलब कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, बिकॉज वी वॉन्ट नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्वाड्रेटिक नेगेटिव मतलब उसका ग्राफ जो है दैट इज टोटली बिलो एक्स एक्सिस, क्लियर है। चलो अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं, तुम लोग इसको लिख लो, मैं रब कर रहा हूं, देखना, तो इसको ओपन करते हैं क्वाड्रेटिक को, तो 4 तो ये लिखा है 4, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 और उधर हो जाएगा माइनस 9 4 36। चलो एक काम करते हैं, पहले एक इतना ना करके पहले ये 4 गायब कर देते हैं, बिकॉज 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम अगले स्टेप में लिख लेना, ये 4 गायब कर दिया, सो दैट थोड़ा टर्म्स कम छोटे आएंगे हमारे, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा माइनस 9 ए स्क्वायर और ए माइनस 4 ए, अच्छा मैंने ब्रैकेट में ब्रैकेट हटाई देते हैं, तो माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए इज लेस देन 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर इज माइनस 8 ए स्क्वायर और 2a माइनस 4a माइनस 2a और प्लस 1 लेस देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए
एक तो तुम वही वाला फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी बाई टू, क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। बाकी एक बार हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है क्या, अगर वन रखा, वन बाय टू रखा, नहीं वन बाय टू भी, तो एक काम करते हैं ऑफ से निकालते हैं, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज फोर प्लस एट फोर थर्टी टू अपॉन टू ए, टू इंटू सिक्सटी एट। तो इधर से मेरा रूट क्या क्या है, माइनस टू प्लस माइनस रूट थर्टी सिक्स इज सिक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू एट, लिख लिया एक मिनट। तो अगर मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो क्या आएगा, सिक्स माइनस टू विच इज फोर, फोर डिवाइडेड बाय टू इंटू एट, तो ये गया वन बाय फोर आया। और अगर नेगेटिव साइन लिया तो माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट अपॉन टू इंटू एट, तो एट से एट गया माइनस हाफ आया। तो दीज आर द टू रूट्स, ठीक है, क्लियर है। तो अब रूट आ गए किसी क्वाड्रेटिक के, मैं इसको रब कर रहा हूं, तो क्या करें अब हम, क्वाड्रेटिक के रूट्स आ गए तो हम इस वाले को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके, x माइनस एक रूट अल्फा दैट इज 1 बाय 4 इनटू x माइनस बीटा, तो माइनस हाफ की जगह क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस हाफ, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ये चीज है, यही लिखिए, मल्टीप्लाई करके देख लो, या एक काम करो अब लिख लो, एट से मल्टी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कॉन्स्टेंट है। देखो एक्स स्क्वायर एक्स नहीं सॉरी इधर ए आएगा, ए में है ना माना इनइक्वालिटी, ए आएगा इधर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू एट, एट ए स्क्वायर, फिर ए बाय टू और माइनस ए बाय फोर, तो ए बाय फोर आएगा, फोर एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए आ गया, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस वन बाय एट इंटू एट माइनस वन, तो परफेक्ट लिखा है, ठीक है। चलो अब हमें पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रूट को पहले प्लॉट करेंगे इस पे, माइनस हाफ और वन बाय फोर, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो है मतलब ये वाला इंटरवल हो गया, ठीक है। तो इससे मेरा आंसर क्या मिला, माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन वन बाय फोर से इंफिनिटी। अब मैंने तुमसे पूछा क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, तो क्या होगा आंसर मिलेगा हमें, नहीं दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, बिकॉज ये तो अभी हमने डी लेस देन जीरो किया ना, अब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी तो नेगेटिव होना चाहिए डाउनवर्ड के लिए, तो अलॉन्ग विद दिस जो हमारा सेकंड इनइक्वालिटी था उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव होना चाहिए, और था क्या बेसिकली उधर दिया क्या था, ए ही दिया था, तो ए शुड बी लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो मतलब माइनस इंफिनिटी टू जीरो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जीरो इधर आएगा माइनस इंफिनिटी से जीरो, तो ये वाला इंटरवल बचा, तो फाइनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माइनस इंफिनिटी से माइनस वन बाय टू, दिस इज द फाइनल आंसर। ये मत लिख देना वन बाय फोर से इंफिनिटी, तो पैराबोला अपवर्ड में चला जाएगा, हमें दो कंडीशन थी ना, ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, दोनों का इंटरसेक्शन इज माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ, ठीक है। चलो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्वेशन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर where b is not equal to 0, comma q is not equal to 0, comma have one common root, one common root, and the second equation has, and the second equation, and the second equation has two equal roots, has two equal roots, then prove that subjective question हो गया हमारा ये, टू टाइम्स क्यू प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके उससे ट्राई करो, ठीक है ना, और मैं इसको सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, तो कॉपी करो तुम इसको। ठीक है, तो करते हैं इसको, मैंने बोला क्या बोला उसने, देखो ये तो क्वाड्रेटिक दिया है और ये क्यूबिक दिया है, तो इसके दो रूट्स होंगे, इसके तीन रूट्स होंगे, हमें पता है जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने रूट्स होते हैं। अच्छा, अब उसने दिया है कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, ठीक है, एक रूट कॉमन है, चलो अच्छी बात है, और ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर बोला है कि जो क्यूबिक है ना उसके दो रूट्स जो है दे आर इक्वल,
दे आर इक्वल। तो अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है जो क्यूबिक है सॉरी, उसमें एक रूट तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, जीरो है क्योंकि जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर ऐसे लिख लो इसको, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो इससे मुझे एक रूट क्या मिला, लेट से अल्फा बोल रहा हूं तो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा तो हमारा ये मैं ये एक्स इक्वल इसका एक रूट मेरा आ गया, फाइनल मैं इधर लिख रहा हूं। चलो मैंने बोला एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक रूट मेरा आ गया जीरो, इधर हटाता हूं मैं, ठीक है। इससे आ गया एक्स इक्वल टू जीरो, मैंने इसको हटाया। अब मैंने बोला अब एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बचा उसका, अब मैंने बोला कि उसने बोला है कि इस क्वाड्रेटिक के दो इक्वल रूट्स हैं, तो एक रूट मेरा जीरो आ गया। अब मैं देख रहा हूं क्या एक और रूट जीरो हो सकता है, क्या एक और रूट जीरो हो सकता है इसका, क्योंकि इसने बोला है ना दूसरी जो क्यूबिक है उसमें दो इक्वल रूट्स है ना, तो एक रूट तो मैंने निकाल लिया जीरो है, तो मैं इसके तीन रूट्स होंगे, इसके तीन रूट्स होंगे, लेट से अल्फा और बीटा और होगा। तो मैं देख रहा हूं क्या एक और जीरो होने की संभावना है, इज इट पॉसिबल कि एक और रूट जीरो हो जाए, तो आंसर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक और अगर इसका रूट जीरो आ गया एक और, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मतलब क्या आएगा जीरो माइनस जीरो प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो इससे मेरा क्या आएगा क्यू जीरो आ जाएगा, बट उसमें दे रखा है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका जीरो रूट नहीं होगा, जीरो रूट नहीं होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, इसका जो रूट है वो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जो दो इक्वल रूट्स हैं वो दे आर अदर देन जीरो, दे आर अदर देन जीरो। तो मान लिया लेट से अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। क्लियर हुआ, मैंने इसको जीरो जीरो अल्फा क्यों नहीं लिया, देखो देर आर टू पॉसिबिलिटी एक्चुअली, जीरो जीरो अल्फा, बट हमने बोल अभी प्रूफ कर दिया कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने ये इंफॉर्मेशन यूज किया कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर इसका रूट एक तो जीरो पहले ही आ गया था x फैक्टर हटा के, अब ये क्वाड्रेटिक बचा था, अगर एक और जीरो होता तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए था, सेटिस्फाई करता तो उससे क्या रिजल्ट आता मेरा q इक्वल टू जीरो, बट गिवन है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस अदर रूट कैन नॉट बी जीरो, तो अदर रूट अल्फा है। अब मैंने बोला एक रूट जीरो एक अल्फा है और मुझे पता है इसके दो रूट बराबर है, तो डेफिनेटली तीसरा रूट क्या होगा अल्फा। क्लियर हुआ यहां तक? चलो अब देखना, तो ये आ गया हमारा इसका एक रूट जीरो सॉरी, तो इसके रूट जो है क्या आ गए अल्फा अल्फा। क्लियर है, इसके रूट्स क्या आ गए अल्फा अल्फा आ गए, समझ में आया ना, तीन थे एक जीरो पहले एक्स हटा के निकाल लिया, फिर क्वाड्रेटिक बची, फिर हमने बोला कि इसके रूट्स अल्फा अल्फा होंगे। अगर रूट्स इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी इज इक्वल टू जीरो, रूट्स इक्वल होते हैं डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, तो बी डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो इससे हमें एक रिलेशन मिल गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स क्यू, दिस इज माई इक्वेशन वन। समझ में आया ना कैसे किया मैंने, इसके रूट्स इक्वल है, इधर लिख लो, नहीं तो सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा चलो एक रिलेशन आ गया, अब क्या फैक्ट यूज करें, अब देखो अब मैं यूज कर रहा हूं सम ऑफ रूट, तो देखो इससे सम ऑफ रूट कितना आएगा, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस बी बाय, तो इधर से मेरी अल्फा की वैल्यू कितनी आई P by 2। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब मूव करते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक पे, अब उसने क्या बोला था इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो देखो इसके रूट क्या निकले जीरो अल्फा अल्फा, तो जीरो भी हो सकता है अल्फा भी हो सकता है, तो पहले देख लेते कौन सा होगा एग्जैक्टली। अगर मान लो इन दोनों में जीरो इज द कॉमन रूट, तो जीरो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर इसमें जीरो रखूंगा मैं तो क्या आएगा जीरो जीरो बी इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या जाएगा बी इक्वल टू जीरो, बट उसने दिया बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैं लिखना आइए ठीक है ना, यू हैव टू राइट इट, मैं देखने वाला हूं तुम लोगों को स्नैपशॉट भेजना इसका क्वेश्चन का। मैंने क्या बोला अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन है, ये दिया एग्जाम में क्वेश्चन में, तो मैंने बोला वो दो पॉसिबिलिटी है, तो जीरो कॉमन रूट होगा या अल्फा होगा, फिर मैंने बोला जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने इसमें जीरो डाला तो बी इक्वल टू जीरो आ रहा है, बट गिवन क्या बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैज जो कॉमन रूट है दैट विल बी अल्फा 100%, ठीक है। अब अल्फा है इसका रूट तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा अगर इसका रूट आ गया, ये प्रूफ कर दिया हमने अल्फा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ जाएगा हमें अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब अल्फा की वैल्यू रख दो जो हमने निकाली थी 2/p, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 4/p स्क्वायर माइनस ए इंटू 2/p प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अच्छा मैं क्वेश्चन थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है तुम लोग कॉपी कर लेना। अब देखो
तो इधर से मेरा मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा 4 माइनस 2ap यस प्लस bp स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है देख लेते एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ ठीक है, अब मैं ये वाला फैक्ट इक्वेशन यूज करूंगा। पी स्क्वायर किसके बराबर है 4q, ये हमारे पास इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, तो इसमें पी स्क्वायर की जगह 4q डाल देता हूं। तो यू आर गेटिंग 4 इज इक्वल टू 2a सॉरी 4 माइनस 2ap प्लस 4bq इज इक्वल टू 0। देखो अब मैंने 2 फैक्टर हटा दिया, तो 2 माइनस ap इज इक्वल टू सॉरी हाँ कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, एक सेकंड मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूं। क्वेश्चन हमारा कहाँ है, इधर है, जस्ट लेट मी चेक इट आउट। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 था, ठीक है, इसका रूट 0 आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट इक्वल होना चाहिए, करेक्ट है। तो पी स्क्वायर माइनस 4q शुड बी 0, तो पी स्क्वायर इक्वल 4q यहां तक करेक्ट है। सम ऑफ रूट इज अल्फा प्लस अल्फा, दैट शुड बी पी, या सम ऑफ रूट इज पी, तो अल्फा की वैल्यू आई 2 अपॉन, अरे यार ये गलत लिख दिया ना, सॉरी दिस इज अल्फा इज पी बाई 2 ना, नॉट 2 बाई पी, ये गलत लिख दिया, तो आई एम चेंजिंग इट हियर, कोई दिक्कत नहीं, इधर ये वाला स्टेप चेंज हो जाएगा, बस ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। सर देखो इधर अल्फा पी बाई 2 आया ना, ये मैंने 2 बाई पी लिख दिया था, पी बाई 2, ठीक है, अल्फा पी बाई 2 है, ठीक है, अब इसमें रख देते हैं हम, तो यू आर गेटिंग, देखो अल्फा रखोगे तो पी स्क्वायर बाय 4, पी स्क्वायर बाय 4 माइनस ए इंटू अल्फा, अल्फा इज पी बाय 2, पी बाय 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 2ap प्लस 4b इज इक्वल टू 0, देखो एक बार, ठीक है। अब मैंने क्या यूज किया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, तो यहां से 4q रख देता हूं मैं, तो 4q प्लस, और इस 4b को उधर लिख रहा हूं और 2aq को उधर लेके जा रहा हूं, 2ap को, 2ap 2 से डिवाइड कर देते हैं या फिर बोलो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो क्या मिलेगा यहां से हमें इक्वेशन, ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू पी, और देखो एक बार ध्यान से, यही तो प्रूफ करना है, ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस बी इज इक्वल टू ap, क्लियर हुआ बच्चों। चलो एक बार रिकॉल करते हैं हम, ठीक है ना, क्या क्या किया हमने, देखो एक क्वाड्रेटिक दिया था और एक क्यूबिक दिया था, उसमें उसने बोला था कि उन दोनों में एक रूट कॉमन है, अच्छा एक रूट कॉमन है उसने ये बोल दिया था, और एक और इंफॉर्मेशन ये दे रखी थी, जो दूसरी क्यूबिक है ना उसके 2 रूट्स बराबर है, ठीक है। फिर हमने कैसे स्टार्ट किया, पहले क्यूबिक देखा, फिर हमें पता चला क्यूबिक का एक रूट तो 0 आ रहा था बिकॉज एक्स कॉमन आ रहा था सब में से, फिर हमने लिखा कि उससे क्या प्रूफ हो गया कि क्यूबिक का एक रूट तो 0 आया। अब मैंने बोला कि जो दूसरा रूट है उसका वो 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उस वो वायलेट कर रहा था गिवन कंडीशन को, क्यू नॉट इक्वल टू 0 को। फिर उससे पता चला हमें कि उसके रूट्स विल बी ऑफ टाइप 0 अल्फा अल्फा, ठीक है। फिर उधर से हमने क्या किया, दो जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर बना क्यूबिक में से, जो क्वाड्रेटिक वाला निकला एक्स गायब करने के बाद, उसके रूट्स अल्फा और अल्फा हो गए, तो उसका डी 0 किया, उससे एक हमें इक्वेशन मिली पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस, फिर हमने इसी में सम ऑफ रूट से अल्फा की वैल्यू निकाली, क्लियर है। अच्छा अब हम क्वाड्रेटिक पे आते हैं, उसने बोला था एक रूट कॉमन है, तो पहले हमने देखा क्या 0 इज द कॉमन रूट, तो आंसर बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो गिवन कंडीशन को वायलेट कर रहा था। फिर हमने बोला दैट मींस अल्फा इज द कॉमन रूट, फिर अल्फा अगर कॉमन रूट है तो अल्फा उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करा दिया, और अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रख दी इधर, और इस इंफॉर्मेशन को और यूज कर लिया टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट दैट वी हैव टू प्रूव। आई होप क्लियर हुआ होगा, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, लेट, चलो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिखो, मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं केवल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा आर एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन ऑब्टेन द इक्वेशन, लिख लो नाउ, देन ऑब्टेन द इक्वेशन whose roots आर अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर
प्लस 5 अल्फा माइनस 2 एंड बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। ठीक है, ये तुम्हारा then obtain the equation of roots are this और अल्फा बीटा इसके रूट दे रखें। ठीक है, पहले वीडियो पॉज कर एक बार फिर से ट्राई करो। ठीक है, मैं इसका डिस्कशन लेता हूं। तो देखो कैसे करें हम। देखो मैंने एक स्टेटमेंट तुम्हें उधर लिखवाया था, क्या जब हमने क्वाड्रेटिक नया नया स्टार्ट किया था पहले या दूसरे या तीसरे लेक्चर का बात बता रहा हूं कि अगर मान लो अल्फा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा का कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल हो उसको वी कैन राइट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा। मैंने बोला कि अल्फा अगर क्वाड्रेटिक का रूट है तो अल्फा का कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल हो, जैसे मैंने 7 डिग्री मान लिया, अल्फा की पावर 7 प्लस 6 अल्फा की पावर 5 प्लस 9 अल्फा क्यूब और प्लस 9 अल्फा की पावर 4 प्लस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स, ये है मेरा। मैंने बोला दिस इज 7 डिग्री पॉलिनोमियल इन अल्फा, तो इसको वी कैन रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ ए अल्फा प्लस बी। इसके दो मेथड बताए थे, ठीक है ना, एक तो डिवाइड करके, हम क्या फैक्ट यूज करेंगे, अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 जीरो होगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। वो फैक्ट यूज करके आई कैन एक्सप्रेस एनी डिग्री पॉलिनोमियल एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा। ठीक है, दिस इज लीनियर क्योंकि अल्फा का डिग्री 1 है। तो इस फैक्ट का यूज करें, उस टाइम जो किया था वही हम करने वाले हैं, थोड़ा सा और ट्रिकी होगा बल्कि उससे भी बेटर होगा। देखो क्या अल्फा इसका रूट है तो मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो पहली इक्वेशन है मेरी, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 0 है, इसको मुझे यूज करना है। तो देखो मुझे अल्फा क्यूब, मुझे इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा अल्फा, देखना ध्यान से, स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 ऐसे लिख दिया। आई हैव टू यूज दिस फैक्ट, तो मैंने जबरदस्ती अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया टू जनरेट अल्फा क्यूब। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अल्फा क्यूब तो आ गया बट माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आ गया, बट मुझे कितना चाहिए, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर की कमी है तो मैंने अलग से लिख दिया माइनस अल्फा स्क्वायर। फिर इधर से 3 अल्फा आ गया, लेकिन चाहिए क्या मुझे, 5 अल्फा, तो 2 अल्फा की कमी है प्लस 2 अल्फा। अब देखो जो ऊपर बोला था वही ये चीज लिखी, ओपन करके देख लो, भले इसको ओपन करोगे क्या है, अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा 5, हाँ माइनस 2 की कमी है तो माइनस 2 अल्फा कर दो, अब करेक्ट है। ये जो लिखा है वो ये लिखा है हुआ है, समझ में आया। अब मैं फैक्ट यूज कर रहा हूं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो चलो इसमें रिड्यूस हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आया, अब ये 3 डिग्री था हमारा 2 डिग्री पर कन्वर्ट हो गया। अब फर्दर इंप्रूव कर देते हैं, अब इधर से मैं अल्फा, अब देखो इधर तो वैसे और भी आसान हो गया, हालांकि क्योंकि इधर से, क्योंकि इधर डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर 3 इज इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर उधर लेके गया तो माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा उधर जाके प्लस 2 अल्फा, और यही तो इधर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो ओवरऑल ये इतना बड़ा जो चीज लिखी है वो रिड्यूस होके कॉन्स्टेंट आ गया, दैट इज 1। समझ में आया, क्लियर है ना। अच्छा अब तुम क्या करो, एक काम करो, अगर अभी समझ में आ गया हो तब तुम इसकी वैल्यू निकालो वीडियो पॉज करके, मैं तो अभी बताऊंगा ही बट यू हैव टू डू नाउ, एक बार पॉज करके। चलो हम इस पे आते हैं, तो अगेन जैसे इसको किया था, अब बीटा भी इसका रूट है तो क्या लिखूंगा, बीटा अगर रूट है तो बीटा सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन अब बीटा क्यूब चाहिए मुझे इधर, तो पहले मैंने इसको जबरदस्ती किया, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इंटू बीटा कर दिया, सो दैट बीटा क्यूब आ गया। क्लियर है, अब इधर से क्या हुआ, बीटा इंटू माइनस 2 बीटा स्क्वायर, तो माइनस 2 बीटा स्क्वायर आ गया, बट मुझे तो माइनस बीटा स्क्वायर चाहिए था, तो मतलब प्लस बीटा स्क्वायर कर देता हूं, एडजस्ट हो जाएगी टर्म स्क्वायर वाली। फिर इधर 3 बीटा है और इधर क्या है, बीटा, तो माइनस 2 बीटा करना पड़ेगा, तो माइनस 2 बीटा और प्लस 5। अब ओपन करके देख लो, ये जो चीज लिखी है दिस इज एग्जैक्टली ये चीज है, देखो ओपन करके वही उसी के थ्रू तो गए हम, बीटा क्यूब बीटा क्यूब, फिर माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 3 बीटा माइनस 2 बीटा बीटा और ये 5 5, तो वो और ये इक्विवेलेंट है। अब मैं ये वाला फैक्ट यूज करूंगा कि ये चीज 0 है तो ये चीज 0 हो गई। अच्छा इधर से एक और चीज, इस वाली इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 3, देखो तो, और ये रेडीमेड हमारा इधर लिखा हुआ है, तो दिस इज माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 5 दैट इज 2। तो हमें क्वाड्रेट, हमें बेसिकली कौन सी क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट ये और ये, और ये आया क्या 1 और ये कितना आया 2, तो हमें अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स 1 एंड 2 है, तो आई कैन डायरेक्टली से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर
दिस एंड दिस, दैट इज 1 एंड 2, या फिर इसको ऐसे ओपन करके लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, तो पॉज करो वीडियो, कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इफ 2 की पावर 2x प्लस 3 प्लस 3 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 10 इंटू 6 की पावर x, फाइंड x। एक बार तुम लोग ट्राई करो पॉज करके वीडियो, मैं इसको डिस्कस करता हूं अभी, ठीक है, तुम लोग को एक बार ट्राई करना है इसको। तो करते हैं, क्या करें इसको, x निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो क्या किया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2x, सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2x, और ये हो गया 10, और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर x, ऐसे लिख सकता हूं। दावा ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस वे, नो इशू। अब देखो मैं क्या यूज कर रहा हूं, अब मैं देखो इसको मैंने लिखा 2 क्यूब, मतलब 8 हो गया ये तो मेरा, 2 क्यूब इज 8। अब इस 2 की पावर 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक प्रॉपर्टी है, जैसे ये भी उस दिन भी हुई थी डिस्कस, 2 की पावर a की पावर b दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर ab, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2, तो दिस इज 2 की पावर 6 बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इसकी पावर x प्लस 3 की पावर 1 इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2 उसकी पावर x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, वन एंड द सेम थिंग, क्लियर है, सेम ही चीज लिखा हुआ है। अच्छा नहीं तो एक ठीक है, चलो ऐसे रहने दो, ठीक है। अब सुनना नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करें हम, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 8 इंटू 4 की पावर x प्लस 3 इंटू 9 की पावर x इज इक्वल टू, चलो 10 इंटू, एक काम करो इसको 6 की पावर x ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 6 की पावर इससे इधर लेके आ रहा हूं लेफ्ट में, तो इसको लिखा 8 इंटू 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 6 की पावर x प्लस 3 इंटू 9 की पावर x डिवाइडेड बाय 6 की पावर x इज इक्वल टू 10। देखो अब ध्यान से, अब देखो अब हमारा कुछ अच्छी चीज होने वाली है, देखना ध्यान से सुनना। अब मैं ऐसे ऐसे लिखा है, मान लो तुम्हारे पास a की पावर x अपॉन b की पावर x, तो आई कैन राइट दिस एज a बाय b इसकी होल पावर x, ठीक है, वी कैन डू लाइक दिस वे। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, इधर देखो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना ध्यान से, 2 बाय 6 की पावर x प्लस 3 और इसको लिख लिया 9 बाय 6 की पावर x दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा अब 4 बाय 6 है ये, 4 बाय 6, अब इसको 2 बाय 3 लिख सकते हैं, इसको 3 बाय 2, तो फाइनली मेरा इधर क्या बना, इधर मेरा 8 इंटू 2 बाय 3 की पावर x प्लस 3 इंटू 3 बाय 2 की पावर x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 इंटू, चलो एक काम करता हूं डायरेक्ट, अब मान ही लेते हैं लेट 2 बाय 3 इसकी होल पावर x इज इक्वल टू t, तो ये कितना हुआ 8 इंटू t प्लस, अब देखना ध्यान से, अगर ये चीज t के बराबर है तो 3 बाय 2 की पावर x क्या होगा, सोचो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाई टी हो जाएगा, सोचना इसको, मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली 1 बाई टी इज इक्वल टू 10, समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं, कि 2 बाय 3 की पावर x अगर t है तो 3 बाई 2 की पावर x क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1 बाई टी। अब एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 8 टी स्क्वायर, और ये t उधर जाएगा तो माइनस 10 टी और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देख लो एक बार, समझ में आ रहा है, टी में क्वाड्रेटिक बन गई हमारी, तो हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर t की वैल्यू इधर रख देंगे तो x आ जाएगा हमारा, तो पहले t की वैल्यू निकालते हैं। अब तो t कितना आया 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 डी स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 12 8 जा 96, तो 96 डिवाइडेड बाय 2a 16, तो ये आया 10 प्लस माइनस 4 बाय 16, देखो एक बार 10 प्लस माइनस 4 बाय 16 करेक्ट है ना, 100 माइनस 4 3 जा 12 8 12 जा 96, तो 4 ये 4 नहीं आएगा 2 आएगा ना, अंडर रूट 4 इज 2, ठीक है ना। चलो
अब मैं इसको इधर रब कर रहा हूं फर्दर सॉल्व करने के लिए, तुम लोग इसको कॉपी करो। अब देखना कि मेरा क्या दो दो वैल्यूज आई, तो एक तो आई 10 प्लस 2 मतलब 12 बाय 16 विच इज 3 बाय 4, एक तो मेरी टी की वैल्यू ये आई, और एक आई 10 माइनस 2 8 बाय 16, 8 बाय 16 मतलब हाफ इज इक्वल टू टी। बट अभी मैं ये आंसर नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे तो एक्स निकालना है ना, ये तो अभी टी की वैल्यू आई। अब मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो देखो पहले 3 बाय 4 रख रहा हूं, तो 2 बाय 3 की पावर x इज इक्वल टू टी मतलब टी इज 3 बाय 4। तो अब मुझे x चाहिए तो क्या करें, लॉग ले लेते हैं। मैंने बोला लॉग ऑफ 2 बाय 3 की पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 बाय 4, वी कैन टेक लॉग। अब क्या करूं मैं, ये पावर है, ये पावर आगे आ जाता है, तो x इंटू लॉग ऑफ 2 बाय 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 बाय 4, बेस कुछ भी ले लो, log to the base anything, no issue। अब मैं इसको फायदा क्या लिख सकता हूं, x is equal to log of 3 by 4 upon log of 2 by 3, और base changing theorem से क्या लिख सकता हूं, मैं इसको एक ही log पर combine करके लिख सकता हूं, या तो ये answer बोल दो या फिर you can say this also, log of 3 by 4 to the base 2 by 3, this is the answer for this। similarly you can calculate 40, क्या करें, चलिए कर ही देते हैं इसको भी, मैं इसको rub कर रहा हूं again, you just copy this part। तो t is equal to half है, और 2 by 3 की पावर x is equal to half, तो log लिया, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं log x to the base, सॉरी log of 2 by 3, x आगे आ गया is equal to log half, और फाइनली दिस इज x is equal to log of half to the base 2 by 3। सो हमें दो x की वैल्यूज आई, ठीक है ना। वो ऑप्शन कैसे देगा डिपेंड करता है, हो सकता है इसको जैसे मान लो प्रॉपर्टीज का चलो प्रैक्टिस हो जाएगा, मैंने बोला दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज log of 2 to the base 3 by 2, क्या कर सकते हैं 2 की पावर माइनस 1 उस माइनस 1 को आगे लाए, इधर लिख सकता हूं 3 बाय 2 की पावर माइनस 1 उसको माइनस 1 को आगे लेके आए। तो ये वैसे ही बताया था मैंने, रेसिप्रोकल कर देते, एक प्रॉपर्टी बताया था log of 1 by a to the base 1 by b is equal to log of a to the base b, ठीक है ना, बेस चेंजिंग थ्योरम में देख ला नोट्स। सो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब मैं कुछ एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है, वो तुम लोग कर लेना, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले उससे पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने बोला इफ इफ 2 की पावर, अच्छा ये तो हो गया हमारा, इक्वेशन दिया है अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1, फाइंड x, सिंपल एक इक्वेशन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और एक मैं लोकेशन ऑफ रूट से दोबारा दे रहा हूं बिकॉज बहुत से बच्चों को अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है, ठीक है ना, मतलब इनइक्वालिटीज, देखो लॉजिकली करेक्ट आ रहा है बट इनइक्वालिटीज वगैरह करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो एक क्वेश्चन ऑफ लोकेशन ऑफ रूट से दे रहा हूं मैं। तो इफ द रूट्स, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड लेस देन 3, देन शो दैट, या फिर देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, ऐसे लिख लो, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, या फिर फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, या फाइंड वैल्यूज ऑफ ए। एक दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। तो पहले इतना कर लो, फिर आप अगले क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर कोई भी डाउट आता है पूछ लेने, और आई एक्सपेक्टिंग ये तीनों क्वेश्चन का तुम लोग सभी लोग रिप्लाई करोगे, मैक्सिमम बच्चों को आई एम एक्सपेक्टिंग कि दे शुड रिप्लाई मी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।